हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल त्राहिमाम सर्टिनिटी। आज लेकर आए हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है मिशन गगनयान। मिशन गगनयान के कंप्लीशन के बाद इंडिया का स्टेज जो होगा वो एक प्राउडफुल मोमेंट का होगा, क्योंकि इंडिया उन देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में ले जाने में सक्सेसफुल रहे हैं। तो इस गगनयान का पर्पस एस्ट्रोनॉट्स को LEO में भेजना है, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट पर भेजना है। उस दौरान पे एस्ट्रोनॉट्स का जो डिस्टेंस होगा अर्थ के सरफेस से हाइट पे 400 to 500 किलोमीटर्स का होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको सक्सेस करने के बाद इंडिया मून और मार्स की तरफ भी बढ़ सकता है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं गगनयान के डेवलपमेंट स्टेजेस के बारे में। गगनयान को 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया। फर्स्ट स्टेज सब ऑर्बिटल स्टेज, इसको इंडिया ने कंप्लीट कर लिया था 18 दिसंबर 2014 को। सेकेंड स्टेज एटमॉस्फेरिक स्टेज, इसको इंडिया को ने कंप्लीट किया था 5 जुलाई 2018 को। और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस समारोह के दौरान इसको पब्लिक कर दिया कि हम गगनयान मिशन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। देन थर्ड स्टेज आती है LEO-1। LEO-1 में स्पेस में स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल भेजा जाएगा, बट उसमें कोई भी ह्यूमंस नहीं होंगे। फिर आएगा LEO-2। LEO-2 जो है उसको भी सेम प्रोसेस से गुजारा जाएगा, जिसमें स्पेस कैप्सूल जाएगा लेकिन कोई भी एस्ट्रोनॉट्स उसमें नहीं होगा। फिर आएगा थर्ड एंड फाइनल स्टेज, जिसको कहेंगे हम LEO-3। LEO-3 में एस्ट्रोनॉट्स भी होंगे और वह फाइनल स्टेज होगा जहां पे हम इस चीज़ का विश्लेषण कर रहे होंगे कि इंडिया स्पेस पर रहने के काबिल टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाया है या नहीं। दोस्तों, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इंडिया की काफ़ी सारी सेंट्रल एजेंसीज किसी मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम कर रही हैं, जैसे कि इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्टल गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। साथ में एक CSIR लैब भी इसमें काम कर रही है। और विकिपीडिया के हिसाब से रशिया और ऑस्ट्रेलिया की टेक्नोलॉजीज भारत सरकार ने कोलैबोरेट की है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट सूट जो है भारत पहली बार बना रहा है। लेते हैं कि इसरो कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहा है गगनयान मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। पहली टेक्नोलॉजी है ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, सेकंड है क्रू एस्केप सिस्टम, थर्ड है हैबिटेबल मॉड्यूल। हैबिटेबल मॉड्यूल जो है और क्रू एस्केप सिस्टम जो है और ह्यूमन रेटेड व्हीकल जो है, ये पहले इसलिए यूज़ नहीं हुई कि कभी भी इंडिया ने इससे पहले ट्राई ही नहीं किया एस्ट्रोनॉट्स को भेजने के लिए। बट नाउ इंडिया इज कैपेबल विद द टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लोर स्पेस विद एन एस्ट्रोनॉट। तो आइए दोस्तों, हम जान लेते हैं जब गगनयान मिशन लॉन्च होगा तो उसमें इंजन और लॉन्च पैड जो है वह कौन से यूज़ होंगे। इंजन जो यूज़ होगा वह होगा विकास इंजन, और लॉन्च पैड जो यूज़ होगा उसका नाम होगा JSLV Mark 3। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों के दोनों ही टोटली मेड इन इंडिया हैं। और गगनयान मिशन की टोटल कॉस्टिंग जो है वह 9,023 करोड़ है। गगनयान मिशन जब कंप्लीट हो जाएगा तब हम एक वीडियो और आपके सामने लाएंगे। तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी तक आपको गगनयान मिशन कैसा लगा। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। त्राहिमाम सर्टेनिटी।